आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि इस तरीके की जो टी शर्ट होती हैं वो किस तरीके से प्रिंट की जाती हैं। पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ फर्स्ट से लेके लास्ट तक कि किस तरीके से डिज़ाइन करनी है, मशीन गर्म करनी है, कैसे प्रेस करनी है। तो ये हमारी पहले सादा टी शर्ट थी, आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। इस तरीके से तो हम इस पर प्रिंट करने वाले हैं इस तरीके से, हैप्पी होली या कुछ भी तरीके से लिखकर। तो अभी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर आ जाते हैं और हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, जो भी हम डिज़ाइन बनाना चाहेंगे। तो देखिए हमने डिज़ाइन इंटरनेट से ले ली है, तो हैप्पी होली। तो इस तरीके से आपको जो फोटोशॉप है उसमें से डिज़ाइन एडिट कर लेनी है। तो हम जल्दी से डिज़ाइन एडिट कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो डिज़ाइन है वो फाइनल हो चुकी है। अब क्या हम इसका प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट किस तरीके के पेज पे निकलता है? इस तरीके का ट्रांसपेरेंट। अच्छा, ये हमारे पास अलग तरीके का पेपर है जो मशीन में ही चलता है। चलिए एक पेपर में बाहर करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके का पेपर है। तो देखिए इस तरीके का पेपर है, सिंपल जैसा हमारा पेपर होता है उसी तरीके का पेपर है। यहाँ इसके पेपर के बारे में भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये पेपर के बारे में लिखा हुआ है। सब्लिमेशन पेपर। सो हमने अपने जो प्रिंटर में ये पेपर है वो लगा दिया है और इसकी जो इंक है वो अलग होती है, जो उससे जो हम पेपर में इंक यूज़ करते हैं वो नहीं होती, स्पेशल इंक होती है सबली टिंक। सो इसकी जैसे मैंने आपको बताया कि सब्लिनेशन पेपर है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब्लिमेशन पेपर, तो उसी की अलग से इंक आती है। तो आपको एक प्रिंटर बिल्कुल अलग इसके लिए रखना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, आपको एक अलग से। तो ये इंक का हम MRP देख लेते हैं, अगर MRP लिखी हो तो। MRP तो नहीं लिखी, कितने की आती है तकरीबन? ये 1310 रुपये। तो 1310 रुपये की इंक आती है, जो कि तकरीबन एक साल पहले के दाम में आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आप बढ़ गए हों या कम हो गए हों, बढ़े ही होंगे, कम तो नहीं हुए होंगे। सो पेपर पर हमारा जो प्रिंट है वो हो रहा है। अभी प्रिंट बैक साइड वाला हो रहा है कि आगे वाला? कहीं भी लगा दो। अच्छा, सो हमारा जो प्रिंटिंग है वो हो रही है। तो मैंने दो टी शर्ट हम छपवाएंगे जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। सो हमारा बैक साइड का जो प्रिंट है देखिए निकलना स्टार्ट हो चुका है। सो ये जैसे पूरा हो जाए, देखिए जो मशीन है प्रिंटिंग कर रही है, तो थोड़ा सा और रहेगा, काफ़ी स्लो प्रिंट हो रहा है यहाँ। और वैसे कागज़ निकाले इस प्रिंटर से तेज़ प्रिंट होता है, इसी स्पीड पर होता है? अच्छा, ये अलग तरीके अलग अलग सेटिंग होती है ना, अलग अलग सेटिंग होती है। बढ़िया क्वालिटी चाहिए तो स्लो करके आता है। और ये हमारे आगे प्रिंट होगा, ठीक है। पीछे जो प्रिंट होगा उसको सोहम टेक और लिखा है, बस ये अंतर है। आप देख सकते हैं हमारा जो प्रिंट है धीरे धीरे निकल रहा है बाहर। ये बैक साइड का प्रिंट है, मिरर करके आता है ये, मिरर करके। अच्छा, मिरर निकला है, पर यहाँ पे तो हमें बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा था ना। ओके, पर प्रिंट होता है वो मिरर हो जाता है, मिरर करना पड़ता है। अच्छा, करना पड़ता है। सो हमारे जो चारों प्रिंट है वो रेडी हो चुके हैं, 1 2 3 4। एक्चुअली हम दो टी शर्ट छापने वाले हैं। अब आप देख रहे होंगे कि प्रिंट उल्टा क्यों है। एक्चुअली क्या है, इसकी छपाई इस तरीके से होगी, मशीन में ऐसे रख के छाप दिया जाएगा तो वो प्रिंट है वो सीधा आएगा। देखिए आप ऐसे देखेंगे तो आपको बिल्कुल सीधे अच्छा दिखाई दे रहे होंगे, हैप्पी होली, और ऐसे देखेंगे तो उल्टे। एक्चुअली नीचे टी शर्ट रख के ऊपर से ऐसे प्रेस किया जाएगा तो टी शर्ट पर जो प्रिंट होगा वो सीधा होगा। तो चलिए अब मशीन गर्म कर लेते हैं, इससे आगे की प्रोसेस फिर आपको दिखाएंगे। तो आगे का तो ये है हमारा, और जो पीछे वाला है वो है ये, और साथ के साथ उसमें पीछे शुभम टेक भी लिखा जाएगा, चैनल का जो एडवर्टीजमेंट है वो। तो यहाँ हमारी जो मशीन है वो हो चुकी है गर्म, और यहाँ पे इसका टेम्परेचर है देखिए वो लिख कर आ रहा है 359°C इसका टेम्परेचर है। अब हम देख लेते हैं किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। तो ये है हमारी टी शर्ट, और ये आप इसके बीच में रख रहे हैं फॉर्मर, बोल के बताइए क्या कर रहे हो आप ये? ओके, पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो कैसे जब दूसरा प्रिंट होगा ना तब उसमें बीच में रखना। अच्छा, एक दूसरे के ऊपर आ नहीं जाए, इस पे ना सो जाए। अच्छा, ये पीछे वाला साइड है तो इसमें शुभम टेक वाला भी ऐड होगा। तो देखिए हम यहाँ प्रिंट रखेंगे, आप देखिएगा किस तरीके से रखेंगे। तो ये हैप्पी होली वाला हो गया और वो शुभम टेक हो गया। इसको पहले हल्का सा इसको प्रेस कर लेंगे। अच्छा, सर्वेटम मिटाने के लिए? अब देखिए हम इसे प्रेस कर रहे हैं सर्वेटम हटाने के लिए। तो देखिए थोड़ी प्रेस सी हो गई होगी इसकी, हो गई, देखिए सर्वेटम मिट चुकी हैं। अब हैप्पी होली हम यहाँ रख देंगे और मेरे चैनल का एडवर्टीजमेंट वाला भी रख देंगे। तो आपको रखते हुए ध्यान रखना है कि आप सही रखें, गलत ना रखें। तो ये हो चुका, अब मशीन इस तरीके से रोटेट करनी है।
देन फिक्स करनी है, देन इस तरीके से आपको प्रेस कर देनी है। बटन दबाना। अच्छा यहाँ बटन देता है, तो बटन दबाने की कितनी देर बाद हो जाता है? ये प्ले वाला दबाया था, ये स्टॉप वाला, ये वाला। तो पता कैसे चलता है आपको कितनी देर तक करना है? थोड़ा जल्दी कर दी मैंने, अभी 60 आएगा, ये हटने के बाद में 50 हो जाएगी, पहले पूरी पूरी 50 होगी, तब जाके टेम्परेचर ज्यादा गर्म हो गया ना उसका, तो अभी आपने ऑटोमेटिकली की, अब ये ठंडी होगी, ठंडी आएगी हल्की सी, अब 50 पे आएगी और अपने आप 60 पे 60 सेकेंड। अच्छा 60 सेकंड तक चलेगी, ठीक है। तो देखिए अब 50 पे आ चुकी है, तो ये सेट हो जाएगी, फिर 60 सेकंड तक इसका टाइमर चलेगा। मेरे हिसाब से प्ले करना पड़ेगा। अच्छा नहीं करना पड़ेगा। अच्छा देखिए इसमें ऑटोमेटिक टाइम आने लगा है, तो 1 मिनट के लिए इसमें उसको पूरी प्रोसेस होती है। तो चलिए जल्दी से इसकी सेकंड खत्म हो जाती है, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो इस सेम मशीन के और भी मोल्ट होते हैं, जैसे ये कप वाला मोल्ट है, आपको यहाँ कप रख देना है और ये इसमें मशीन में आपको कनेक्ट कर देना है, और इस तरीके से कप की प्रिंटिंग होती है। और भी एक और होता है ना, कि दो ही होते हैं? कैप। अच्छा एक कैप का और होता है। देखिए अब हमें स्टॉप कर देना है दोबारा से, बीप होगी बंद। बीप होने के बाद अब हम इसे खोलेंगे और आप देख सकते हैं ये कागज है वो गायब ही हो गया, ऊपर वाला कागज का ही वाला। अच्छा कागज है, कागज पर से प्रिंट हट चुका है, देखिए आप इसके नीचे चिपक गया है शायद, देखिए इस पे आपको कागज चिपक गया है ना। और हमारी जो टी शर्ट है वो प्रिंट हो चुकी है, देखिए। सो ये फर्स्ट टी शर्ट है जो मैंने प्रिंट करी है अपने ब्रांड की, और ये रहा कागज। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला प्रिंट काफी अच्छा लग रहा है, नीचे वाला थोड़ा सा हल्का लग रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से प्रिंट होगा वैसा ही आएगा। अब इसी तरीके से दोनों हम प्रिंट कर लेते हैं, फिर आगे आपको मैं दिखाऊंगा। अब देखिए बैक साइड आप प्रिंट करेंगे उसमें थोड़ी एहतियातन बरतनी पड़ती है आप सबको, क्योंकि वो कलर एक दूसरे के ऊपर ना ओवरलैप हो जाए। तो बीच में इस तरीके का पैड लगा देते हैं, एक कुशन टाइप का, जिससे कि पेंट इधर से उधर बाईपास ना हो। अब फ्रंट का हम होली वाला रख देंगे इस पर, देखिए कुछ इस तरीके से। पहले हम सर्वटे मिटाएंगे, ठीक है। हमारी जो मशीन है उसका भी टेम्परेचर हो चुका है वैसे फिक्स 350, जो हमें चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए, उससे नीचे ऑपरेट नहीं होगी। देखिए ऑटोमेटिक टेम्परेचर कम भी होने लगता है, इसमें रिले लगी है टेम्परेचर सेंसिंग के लिए और ऑन ऑफ करने के लिए मशीन को। चलिए थोड़ा सा हम इसे गर्म कर लेंगे, जिससे कि सर्वर टाइम वो हमारी मिट जाए, सर्वर टाइम मिट जाएंगी। उसके बाद हम ये इसके ऊपर पोस्टर लगाएंगे जो कि हमें प्रिंट करना है, इतना काफी है। अब हम पोस्टर रखेंगे जो हमें करना है प्रिंट। तो देखिए इस तरीके से आपको रख देना है, देन ये रखना है और प्रेस कर देना है और चालू कर देनी मशीन। 60 सेकंड तक टाइम चलेगा पहले की तरह, और ये प्रिंट हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए हमारा टाइमर पूरे होने वाला है, तो हम इसे अब ओपन करेंगे बीप होने के बाद, मतलब पूरा प्रोसेस हो चुका है और ये हमारा बैक फ्रंट का जो प्रिंट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब देखते हैं कहीं ओवरलैप वगैरह तो नहीं हुआ, जब तक दूसरी वाली को भी प्रिंट कर लेते हैं। देखिए आगे से कुछ इस तरीके की हैप्पी होली है, और पीछे का है कुछ इस तरीके का, जो भी आप चाहें लिखवाना वो लिख जाता है इस पर। सो हम सेम प्रोसेस है वो उसे रिपीट करेंगे, पहले टी शर्ट गर्म करेंगे, टी शर्ट की सरवटें हट जाएंगी, देन उसके ऊपर ये पेपर रखेंगे जो कि हम इस पर प्रिंट करना चाहते हैं। तो पेपर को हम जल्दी से रख देते हैं और 60 सेकंड इंतजार करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए इसके बाद हम इसे चालू कर देंगे, सेकेंड चलना काउंट डाउन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारी जो दोनों टी शर्ट है वो प्रिंट हो चुकी है, ये इनका आगे का हिस्सा है, पीछे का दिखा दीजिए, ये पीछे का हिस्सा है कुछ इस तरीके से। तो इस मशीन से काफ़ी आसानी से आप प्रिंट कर सकते हैं मिनिमम कॉस्ट में, और आपको ये सारा मटेरियल है वहीं से मिल जाएगा जहां से आप ये मशीन बाई करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।